लॉकडाउन में एक ऐसी शख्सियत का जन्मदिन जो हर रोते इंसान को हंसा देता है, तो क्यों ना आज उनके जन्मदिन के मौके पर हम उन्हें ही हंसा दें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट नैंसी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज बर्थडे स्पेशल में। यकीनन ही आप सभी सोच रहे होंगे कि आज किसका जन्मदिन है, तो आप सभी को बता दें कि आज जन्मदिन है टीवी टाउन से लेकर बी टाउन के कॉमेडी किंग कहलाए जाने वाले कपिल शर्मा का। जी हाँ, कपिल शर्मा जो हर किसी को रोते इंसान को हंसा देते हैं। उनमें ऐसी काबिलियत है जो जब भी कुछ चीज़ों को कहते हैं इंसान अपने आप अपना स्ट्रेस भूल जाता है। ऐसे में आज कपिल का जन्मदिन है। कपिल शर्मा आज 38 साल के हो चुके हैं और उनके जन्मदिन के खास मौके पर आज हम आपको तमाम बातें बताएंगे, कपिल के लकी चार्म के बारे में बताएंगे, पत्नी गिनी के साथ उनके डांस के बारे में बताएंगे, यानी कि कपिल से रिलेटेड आप तमाम चीजें आज जानेंगे इस खास प्रोग्राम में। तो चलिए आपके इंतजार को अब खत्म करते हैं और दिखाते हैं अपनी ये खास रिपोर्ट। टीवी टाउन के कॉमेडियन किंग कहलाए जाने वाले कपिल शर्मा जो अक्सर ही खबरों का कारण बने रहते हैं, हाल ही में बता दें कि आज कपिल का जन्मदिन है और आज कपिल शर्मा जो है 38 इयर्स के हो चुके हैं। जी हाँ, कपिल ने अपने जन्मदिन के खास मौके पर अपनी पत्नी गिनी और माँ के साथ इस दिन को सेलिब्रेट किया और यहाँ पर तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर कपिल और गिनी जो है रोमांटिक डांस करते हुए भी दिखाई दी। यहाँ पर केक कटिंग के दौरान भी देखा गया कि कपिल जहाँ पर पत्नी गिनी के साथ दिखाई दे रहे हैं तो वहीं यहाँ पर दूसरी ओर उनकी माँ भी यहाँ पर दिखाई दी। वाकई ही कपिल शर्मा ही कहना भी गलत नहीं होगा कि जितना प्यार अपनी पत्नी से करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्यार वो अपनी माँ के साथ करते हैं। आपको बता दें कि कपिल के जन्मदिन पे द कपिल शर्मा शो की पूरी स्टार कास्ट को देखा गया, यहाँ पर भारती भी दिखाई दी, तो बाकी तमाम सितारे भी कपिल के जन्मदिन पर यहाँ पर फुल मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे थे। कहते हैं कि किसी को हंसाना भी एक कला होती है, आप हर किसी को हंसा नहीं सकते, तो टीवी टाउन के किंग इन्हें कहा जाता है जो है कपिल शर्मा। कपिल शर्मा का आज जन्मदिन है और 38 साल के कपिल शर्मा हो चुके हैं। इसी दौरान कपिल ने काफी स्ट्रगल किया और काफी ही स्ट्रगल का दौर भी उन्होंने सहा। जब पिता का साया सर से छिन गया तो माँ एक ढाल बनकर सामने आई। जी हाँ, कपिल शर्मा का जीवन काफी ही संघर्षपूर्ण रहा है। अगर आज कपिल शर्मा बने हैं तो इसके पीछे का संघर्ष भी किसी से छुपा नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि जिस एक शख्स के साथ वो सबसे ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व मानते हैं वो उनकी माँ है। जी हाँ, कपिल भी अपनी मम्मी की काफी इज्जत करते हैं। हर एपिसोड में देखा जाता है कि कपिल की मम्मी वहाँ पर मौजूद होती है। कपिल का मानना है कि उनकी मम्मी उनके लिए एक लकी चार्म है। हाँ, और कई बारी देखा गया है कि कपिल शर्मा शो के दौरान भी कैमरा उनकी मम्मी के पास जाता है जहाँ वो अपनी मम्मी के साथ उल्टू मस्ती करते भी देखे जाते हैं। टीवी टाउन के कॉमेडी किंग कहलाए जाने वाले कपिल शर्मा जो अक्सर ही खबरों का कारण बने रहते हैं, भाई कपिल शर्मा कई बारी कुछ ऐसी बातों को कह देते हैं जो उनके लिए ही नेगेटिव साबित हो जाती है। कुछ ऐसा ही कपिल एक बार फिर कर बैठे हैं। दरअसल होली के मौके पर कपिल शर्मा ने चंदू की एक तस्वीर को साझा किया जहाँ पर उन्होंने कैप्शन दिया, दो भूखे जो खाना खत्म होने के बाद भी प्लेट नहीं छोड़ रहे। दरअसल कपिल का ये चंदू को लेकर एक मजाक था, मगर सोशल मीडिया पर कपिल को लेकर अब तमाम बातों का जिक्र भी किया जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पर कपिल को लेकर ये कहते हुए भी लोग दिखाई दिए कि कपिल को किस तरह से अपने को एक्टर के साथ बर्ताव करना चाहिए ये उन्हें बिल्कुल नहीं पता। दरअसल आपको बता दें कि बीते दौरान कपिल और सुनील ग्रोवर की लड़ाई भी कुछ इसी कारण हुई थी, क्योंकि कुछ ऐसा विवाद हो गया था जिसको लेकर कपिल ने उन्हें जम के लताड़ा था और उसके बाद पूरी जनता सुनील के सपोर्ट में हो गई और कपिल नेगेटिव हो गए। एक बार फिर से कपिल ये गलती करते दिखाई दिए। टीवी टाउन के कॉमेडी किंग कहलाए जाने वाले कपिल शर्मा जो अक्सर ही खबरों का कारण बने रहते हैं, हाल ही में कपिल शर्मा के शो में जहां पर बतौर जज की कुर्सी पर नवजोत सिंह सिद्धू बैठते थे, अब अर्चना पूरन सिंह बैठती हैं, ये आप सभी जानते हैं।
रिहाबी के दौरान पुलवामा अटैक के दौरान जब सिद्धू ने कुछ ऐसी बातों का जिक्र कर दिया था जिसे जानने के बाद देश की जनता भड़क गई थी, तब इस शो से सिद्धू को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मगर अब ऐसा लग रहा है कि सिद्धू के जाने के बाद जो TRP थी वो गिर गई। अब ऐसे में खबरें आ रही हैं कि सिद्धू वापस आ सकते हैं। जी हाँ, सिद्धू इन दिनों चुनाव में काफी बिजी हैं। दरअसल कपिल ने एक अवार्ड फंक्शन के दौरान बताया कि सिद्धू आने वाले चुनाव में काफी व्यस्त हैं। चुनाव तक उनके शो में वापसी होने की कोई जानकारी नहीं है। मगर कपिल के इस बयान से एक बात तो साफ हो गई कि नवजोत सिंह सिद्धू कपिल के शो में चुनावों के बाद देखे जा सकते हैं, और ये देखना होगा कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू अब वापस आते हैं या फिर महज ये एक अफवाह है। टीवी टाउन के कॉमेडी किंग कहलाए जाने वाले कपिल शर्मा, जिन्होंने बीते दौरान ही गिन्नी से शादी कर ली। भाई शादी के बाद तो पति पत्नी के बीच के तमाम राज से पर्दा हटता है, ऐसा ही कुछ कर रहे हैं कपिल शर्मा। जी हाँ, हाल ही में कपिल ने पत्नी गिन्नी को यहाँ पर एक ऐसा नाम दे दिया है जिसे जानने के बाद आप सभी हंसने और मुस्कुराने लगेंगे। दरअसल कपिल का मानना है कि गिन्नी एक रिमाइंड क्लॉक है। जी हाँ, एक रिमाइंडर है वो। कोई भी चीज भूल जाते हैं तो गिन्नी उन्हें फौरन याद दिलाती है। दरअसल कपिल ने कहा कि उन्हें दोस्तों की और करीबियों की डेट ऑफ बर्थ और एनिवर्सरी याद नहीं रहती। ऐसे में उनकी पत्नी गिन्नी इस बात का ख्याल रखती है और जब भी वो तारीख आती है तब गिन्नी उन्हें तुरंत बताती है। जाते जाते यहाँ पर कपिल ये भी कहते दिखाई दिए कि भाई लड़कियों का दिमाग काफी शार्प होता है, और इस बात में कोई शक नहीं। टीवी टाउन के कॉमेडी किंग कहलाए जाने वाले कपिल शर्मा, जो अक्सर ही खबरों का कारण बने रहते हैं, हाल ही में कपिल और गिन्नी की कुछ खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर आप कपिल और गिन्नी दोनों को ही डांस करते हुए साफ तौर पर देख रहे हैं। जी हां, आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि कपिल यहां पर खुशी से तालियां मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर कपिल की एक खूबसूरत तस्वीर सामने आ रही है और यहाँ पर गिन्नी को भी आप देख रहे हैं, वाकई ये इनके प्यार को साफ तौर पर झलकाता दिखाई दे रहा है। और शादी के बाद जिस तरह से कपिल और गिन्नी की ये तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, ये कहीं ना कहीं वाकई ही काफी खूबसूरत है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि शादी के थोड़े समय के बाद तो पहली शादी की तस्वीरें सामने आती हैं और उसके बाद जितनी भी वहां पर मौज और मस्ती होती है सितारों की, वो साफ तौर पर इन तस्वीरों में देखा जाता है। और यहां पर इन दोनों का रोमांटिक डांस भी देखा गया, जहां पर ये दोनों काफी ज्यादा ही रोमांटिक होते दिखाई दिए। सो वेल फ्रेंड्स, देखा आपने किस तरह से कपिल शर्मा जो है यहाँ पर काफी खुश दिखाई दिए। भाई आपके जन्मदिन का मौका है और साल में एक बारी ही जन्मदिन आता है। देखा आपने यहाँ पर मम्मी के साथ, यहाँ पर उन्हें गिन्नी के साथ जन्मदिन को सेलिब्रेट करते देखा गया, और यहाँ पर केक कटिंग चल रही थी। और जिस लकी चार्म की हम यहाँ बात कर रहे थे, कपिल का मानना है कि उनके लकी चार्म और कोई नहीं उनकी माँ है, क्योंकि संघर्ष के टाइम पर जब पिता का साया सर से छीन लिया गया था तब उनकी मम्मी ही थी जिन्होंने उन्हें काफी ही आश्वासन दिया, जिन्होंने ही उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। और आम तौर पर कई बारी देखा गया है कि कपिल शर्मा जो है, जब भी यहाँ पर कपिल शर्मा का शो होता है तो वहां पर उनकी मम्मी मौजूद रहती है, और कहीं ना कहीं ये काफी पॉजिटिव चीजें हैं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मगर अगर आप भी कपिल के जन्मदिन पर उन्हें मुबारकबाद देना चाहते हैं तो आप इस प्रोग्राम को देखने के बाद कमेंट सेक्शन पे मैसेज जरूर करें, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।